नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको YouTube चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं ग्रीक से क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं, जो कि पार्ट नंबर 7 है। इसका क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले ग्रीक के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ग्रीक को बना लेते हैं, है ना। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, 22 सेंटीमीटर केंद्र हो गया परिधि वाले, समझे कि नहीं। एक वृत्त है और उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझे ना। तो करने का मतलब यह है कि इसको हमने लिया ए बी और ओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिधि दिया है, देखिए दिया है वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr = 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब ये, तो 2 × 22 = 7 × r = 22, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, मन है ना। तो वन है चाहे नहीं भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, 22 कट गया, ठीक है। नीचे तो मन आता ही है, तो बच्चा कितना, 2/7 × r = 1। नीचे कुछ नहीं है, मन फिर किस गुना होगा, तो क्या करेंगे, 2r = 7। अब r बराबर 7/2, r का वैल्यू कितना गया, 7/2 है ना जी। जब r का वैल्यू इतना है, अब वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो 22/7 × r का मान कितना है, 7/2 × 7/2, 2 × 2 कट गया ना जी, कट गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे भी काट सकते हैं, है ना। कितना बना है, 11/77/2, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 77/2। अब एक चतुर्थांश बराबर 1/4 होता है। इसमें क्या करना है, 77/2 × 1/4 मानेंगे कितना होगा, 77/8 हुआ ना जी। अब इस पर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना होगा बोलिए, डिवाइड कर दीजिए 77 में 8 से, 8×8 = 64, 72 कितना हुआ, 5.0, 8×8 = 845, 2×0 = 8×16, इस तरह से हुआ ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, काट करके 9.62, है ना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे आप सब, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को समझना उचित होता है। तो ऐसे में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान के चलिए घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया, एक केंद्र हो गया। घड़ी की सुई की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। वो उस सुई द्वारा 35 मिनट में घेरे गए क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। मान के चलिए कि घड़ी, ठीक है, ये घड़ी का सुई है, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 35 मिनट जगह घटती है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझो ना। तो कैसे हम निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सबसे पहले क्या कि घड़ी जो है ना, घड़ी जो है इसका आर दिया हुआ है सुई का, है ना। तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, है ना। क्षेत्रफल निकालने के बाद 60 मिनट में जो होता है वो निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है
आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 12 × 12, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मिनट में, अब एक मिनट में लिखेंगे ना जी, एक मिनट में लिख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। मिनट वाले सुई 60 मिनट में कितना करते हैं, क्या करते हैं देखो, इसलिए मिनट वाले सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में घिरे क्षेत्र है ना बराबर क्या 22/7 × 12/7 ये हुआ। अब कह रहा है कि 35 मिनट में घिरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसलिए 35 मिनट में घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 22/7 × 12/12/60 × 35, ठीक है। तो 12 × 7 = 35 कट गया, तो बचा कितना 22 × 12 बचा ना जी, 22 × 12 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 × 4 = 2 कितना होगा 4 × 6 = 2 है ना, ये आपका सेंटीमीटर आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर कि ए बी सी डी ई एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं, समपंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। समझ में एक बार और समझिए, ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लगा हुआ है ना, समपंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है, समझे ना, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समपंचभुज के आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र क्या, आंतरिक कोणों का योग या क्षेत्रों का योग, आंतरिक कोणों का योग योग बराबर 2 × (n-2) ये होता है ना, एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देख लेंगे। 2 × क्या (n-2) तो क्या होगा, यहाँ पर 2 × 5 / 2 × यहाँ पर संपूर्ण लिखेंगे है ना 90, लिख दिया संपूर्ण का मतलब क्या 90, संपूर्ण का मतलब 90। तब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे 2 × इसमें घटाएंगे तो 3 × 90 कितना होगा, 3 × 6 = 5 / 40 डिग्री का कोण बन गया, 540 डिग्री का टोटल कोण बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, 540 डिग्री का जब कोण बन गया आपका, तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां जहां आर बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360° × πr², ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 540 डिग्री / 360° × 22/7 × 2 × 2, ठीक है। 1 × 1 = 18 × 36, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 3 × 6 = 22/7 = 4 12 × 13/7 ये आया आपका क्या क्षेत्रफल आया। अब इसमें क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
ये सब एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझे हैं? ज्यादा भारी क्वेश्चन है, इतने उत्तरीय नहीं है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त के दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान सकते कि एक वृत्त हो गया, समझे ना, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर एक समकोण बनता है, ठीक है, जिसकी ये त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, वृत्त का जो है भीतर वृत्त का जो है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि लिखेंगे कि दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है ना, इतना दिया है। तो आप आराम से सब इसे कर सकते हैं, कैसे सब करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 360 डिग्री गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 × 14, 7 × 14 निकट के 9 × 36 2 × 4 7 × 14 कितना हुआ, 22 × 7 यानी कि 7 × 14 = 15 सेंटीमीटर। ये आपका होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कितना हुआ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल स्क्वायर रहेगा, त्रिज्या सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका निकला। अब क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × r का वैल्यू कितना, 14 × 14, 7 × 14 हो गया 44, 22 × 44 × 14 कितना होगा, गुना करेंगे तो 44 × 14 = 16, 17, 4, 4, 6, 11, 6 यानी कि 6 से 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर लीजिए, क्या माइनस करेंगे बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल तो निकलेगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको पता था कि थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर घटाओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताया था ना, तो ये तो निकल गया, ठीक है, निकला तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 से 16 घटाओ 154 कितना होगा, 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 5 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 11 में से 5 जगह 6 5 में से 1 जगह 4, ठीक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों मिले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, जय हिंद, धन्यवाद।